हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब? गाइस आज की जो वीडियो होने वाली काफ़ी मस्त होने वाली है, क्योंकि गाइस आज हम फिर से आए हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था पहले भैया की शॉप का रिव्यू करवाया था, मतलब क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, आप यहाँ आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें किस प्राइस में मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हमने दिखाई थी। तो उन्हीं भैया की आज हम कार का भी म्यूज़िक सिस्टम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से उनने बनाया है और किस तरीके से उनने इसको पूरा असेंबल करा हुआ है और साउंड किस तरीके का आता है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कार कौन सी कार आप यहाँ देखेंगे, तो हुंडई इयोन आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर ही उनने सिस्टम अपना लगवाया हुआ, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया पसंद आया, सर को भी काफ़ी पसंद आया कि यार काफ़ी बढ़िया उनने लगा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि यार इस तरीके का कोई साउंड सिस्टम बनाना, तो किस तरीके से इसको बनाएं, वो चीज़ हम आपको डेमो करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलाते हैं आपको भैया से। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया भैया, ठीक है। तो आज हम सबको दिखाने वाले हैं आपके कार में किस तरीके का म्यूजिक सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो थोड़ा डेमो, मतलब पहले आप बता दीजिए क्या क्या चीज़ आपने लगवाई हैं और फिर आप डेमो करवा दीजिए। मैंने ये भैया सोनी अपना जो इनका डबल डिन ब्लूटूथ वाला आता है वो लगाया है, और फ्रंट डोर्स में मैंने वही स्पीकर्स लगाए हुए हैं जो कंपनी में सप्लाई होते हैं। अच्छा, वाले स्पीकर्स लगवाए हुए हैं और पीछे पाइनियर के लगे हुए हैं। बहुत पुराना मॉडल है ये। अच्छा, लेकिन बहुत बढ़िया है। अच्छा बढ़िया है, लगाया हुआ पाइनियर TS-2150। हेलमेट स्पीकर्स बोलते हैं इनको, जिनको पता है, नॉलेज है उनको पता होगा कि ये स्पीकर कैसे बजते हैं। काफी डिफरेंट तरीके से इनको मैंने पावर दे रखी है 4 चैनल के एम्पलीफायर से। अच्छा। ये 4 चैनल का एम्पलीफायर लगा हुआ है और साथ में 10 इंची की पेस्ट ट्यूब है। और ये कौन से ब्रांड की है? ये भैया हाइब्रिड, हाइब्रिड कंपनी है, 10 इंचेस है। और मैं आपको साउंड आउटपुट सुनाता हूँ। तो ये 5200 वाट्स में इतनी अच्छी साउंड बेस कैसे आ रहा है इसमें? वो भैया एम्पलीफायर के थ्रू हमने चैनल कर रखा है, तो बहुत बढ़िया आवाज़ एम्पलीफायर के थ्रू उस पर आ जा रही है। अच्छा, इसकी वजह से मतलब साउंड स्पीकर की भी साउंड बहुत बढ़िया है। आइए मैं आपको आउटपुट सुना दूँ इसका। ठीक है, अंदर चलते हैं, आउटपुट सुनते हैं भैया का किस तरीके से इसमें आता है। गजब साउंड आ रहा है यार, मतलब रियल में जब हमने सुना ना इसको, तो हमको यार भैया से सोचा हमने किया वीडियो तो पक्का बनाते हैं कि इस तरीके का, क्योंकि कस्टमर से भी आपके पास आते हैं, तो भैया इस तरीके का साउंड जैसे आपने तो स्पीकर से पुराने लगवाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके का साउंड वैसे बन सकता है? हाँ, हम बना सकते हैं ओवल स्पीकर के साथ एम्पलीफायर लगा के, बेस ट्यूब चॉइस। अब कस्टमर अच्छा अगर है, वो अच्छी सामान पे अगर इन्वेस्ट करेगा तो क्यों नहीं बन सकती है, बिल्कुल बना के देंगे। मतलब रियल में मेरे को तो काफी पसंद आया, बहुत बढ़िया। ये मेन सर हेड यूनिट का रहता है, हेड यूनिट की चॉइस बहुत बढ़िया रहनी चाहिए। ये भी भैया इनके बहुत पुराने आते, तो सोनी सब अपना टच स्क्रीन में, अब सब आपको पता ही है एंड्रॉइड का जमाना, ये बहुत पहले आते थे, तो ये मेरे पास था पहले के, तो फिर मैंने इसी में इंस्टॉल कर दिया ये वाला। अच्छा। हाँ, बाकी सारी आइटम सर मेन इस पे रहती है, बाकी स्पीकर की चॉइस होनी चाहिए, चॉइस होनी, ओरिजिनल आइटम ओरिजिनल ही रहती है सर। तो जैसे किन लोगों को नहीं रहता समझ में कि किस तरीके से लगाएं, तो आप सजेस्ट करें? मैं बिल्कुल पूरा एडवाइस दे सकता हूँ उनको, प्राइस के साथ जैसा उनको कन्वीनियंट लगे, उनके बजट के साथ बिल्कुल एडवाइस करके उनको एक बेस्ट सिस्टम दे सकते हैं। सिस्टम दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो भैया जैसे ये वाला आपका पुराना वाला है, तो ये भी अवेलेबल हो जाता है सेकंड हैंड पे? ये हम वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे अगर होगा तो। अच्छा, प्रोवाइड करवा देंगे। देख सकते हैं गाइस यार इस तरीके का भैया ने आपको बताया कि किस किस तरीके से उनने सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये आपको पुराना स्टूडेंट, मतलब भैया ने आपको पुरानी चीज़ों से ही सिस्टम बनाया, मतलब रियल में अंदर बैठने के बाद ना फील काफ़ी बढ़िया आता है, मतलब 5200 वाट्स में इतनी बढ़िया बेस निकल जाती है, इसके कंपोनेंट्स इतने प्यारे बसते हैं, और जो पीछे वाले आप देखते नहीं पुराने टाइम पर आते थे फाइनर के, तो ये काफ़ी बढ़िया, मतलब ट्यूटर भी दे रहे हैं और काफ़ी बढ़िया इनका साउंड भी आ रहा है क्वालिटी के साथ, तो ये काफ़ी बढ़िया, मतलब इयोन के अंदर तो यार काफ़ी सफिशियंट हो रही है, मतलब साउंड बेस काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है।
तो यार अगर आप चाहते हैं यार इस तरीके का कुछ बनवाना तो आप आ सकते हैं यार भैया के यहाँ शॉप में। मैं आपको यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। भैया ने जैसे बताया कि आपको यार सजेस्ट भी कर दूंगा मैं कि इस तरीके से लगवा सकते हैं, आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कीजिए और भैया से कॉन्टैक्ट कीजिए। काफी रीजनेबल प्राइस में भैया यहाँ आपका सिस्टम वगैरह या गाड़ी का और भी कोई काम हो तो वो करवा देंगे। तो ये चीज़ थी इस वीडियो के अंदर। मैंने सोचा यार आए हैं हम इधर तो आपको क्यों ना डेमो करके दिखाएं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यार किस तरीके का आपको यहाँ साउंड मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहती हैं। तो हम मिलते हैं आपसे इसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक अगले बाय बाय।